नीतीश बाबू समाधान यात्रा पे निकल चुके हैं। सप्ताह भर कह सकते हैं कि 6-7 दिन हो चुका है, अभी और 10 दिन चलेगा। तो इसमें दर्जन भर से ज्यादा जिले घूमने हैं, 18 जिले। तो अब इसमें जो बातें आ रही है, क्या समाधान यात्रा में नीतीश कुमार को लोगों का समर्थन मिल रहा है या विरोध मिल रहा है, इस पर बड़ा सवाल है। तो अभी तक जो देखने में आया है मामला, वह यह समझ में आया कि कई जगहों पर नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे, क्यों समर्थन मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, क्यों नहीं मिलना चाहिए। इससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। अब मैं बात करूंगा नीतीश बाबू के समाधान यात्रा पर। नीतीश जी समाधान यात्रा पर समाधान करने के लिए निकले हैं, तो लाजमी सा बात है कि समाधान में लोग उनके पास शिकायत को लेकर आएंगे और उनको समाधान करना पड़ेगा। यही मैटर समझ में आता है कि समाधान यानी कि जनता में समस्या है, ये बातें नीतीश कुमार आसानी से समझ पा रहे हैं। मगर समस्या किन किन चीजों में है और किन किन लोग विरोध कर रहे हैं। जीविका दीदी का नाम पहले ही वायरल हो चुका है, आ चुका है डाकबंगला चौराहे से लेकर कई जगहों पर, गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पर और भी कई जगहों से उन लोग अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं जीविका दीदी। तो अब उनकी बात सुन रहे थे नीतीश बाबू, मगर साथ ही उन महिलाओं का यह भी कहना था कि इतने कम पैसे में कैसे घर चले, और भी अलग अलग समस्याएं। फिर जो बात आती है, ये तो एक जीविका दीदी की बात हुई, फिर पासी समाज का एक अलग था ताड़ी वाला, वो कि ताड़ी बेचने का हमें जगह समय दिया जाए, पाबंदी नहीं लगाया जाए ताड़ी बेचने को लेकर, तो उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो चुका है। उनके जो लोग हैं वो लोग भी जहां भी मिल रहे हैं वहां पर इस तरह की बातें उठा रहे हैं। मगर और क्या समस्या है बिहार में, सबसे बड़ी समस्या यह समझ में आई कि बेरोजगारी और पलायन, इस पर नीतीश बाबू ने 17 सालों में क्या कुछ किया, वह जब वह रास्ते में निकलेंगे तो काले कपड़े दिखाते हुए नौजवान उनको दिख जाएंगे कि हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। मगर क्या नीतीश बाबू इन बातों को समझ पा रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर, जो दर्शक देख रहे हैं वह भी समस्याएं अपने बता सकते हैं। मगर इसमें एक और समस्या आती है कि जो एग्जामिनेशन हो रहा है नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बिहार सरकार के अंतर्गत, चाहे वह बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी जैसे पेपर तक धांधली का आरोप लग रहा है, उसका एग्जामिनेशन रद्द हो रहा है, उसका पेपर पहले आउट हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो फिर उसके अधिकारी पदाधिकारी चयन समिति आयोग उसके मंत्रालय कहां सोए हैं और क्या कर रहे हैं, इन सभी की जवाबदेही पहले बनती है। जब उसके अधिकारी और पदाधिकारियों पर कई संगीन आरोप लगे तो ये बातें समझा जाता है और समझा जाना चाहिए कि आखिर जो प्रतिभा है उसको, प्रतिभा कैसे कुचला जा रहा है बिहार में। यहां पर इन बातों को सरकार समझ नहीं पा रही है और समझ करके भी नीतीश बाबू और उनके अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी चयन आयोग सभी की लापरवाही इतनी है कि लाखों छात्र बार बार एग्जामिनेशन देने के लिए आतुर हो रहे हैं, उनका खर्च, उनका गाड़ी भाड़ा, ये सभी चीजें नहीं दिख रहा है। वही चीजें समाधान यात्रा के वक्त सड़कों पर वो नौजवान दिख जाएंगे नीतीश कुमार का विरोध करते हुए। फिर बात आती है पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षकों का तो बहाली में एक अलग चल रहा है, चरण वाइज जो करने का ये सिस्टम किया गया है, तो उसमें भी इतनी देरी क्यों हो रही है, एक बीएसएससी 8 से 9 साल क्यों लग गया। ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार छात्रों के मुद्दों से बिहार सरकार साफ तौर पर घिरती हुई नजर आ रही है। इसका एक बड़ा विषय यह है, यहां पर तेजस्वी यादव भी यहां पर 10 लाख सरकारी रोजगार का जिस प्रकार से वादा किए थे, उसके बाद नीतीश बाबू ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किए थे, नीतीश कुमार ने 19 लाख रोजगार पर बोल दिए। तो लगातार छात्र इन बातों को पूछते रहते हैं और इन बातों को बताने में नाकाम हो जाती है नीतीश कुमार की सरकार। बता दें कि नीतीश कुमार कभी भाजपा और कभी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं, मगर मुखिया नीतीश कुमार हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही ज्यादा है। समाधान यात्रा में इन सभी चीजों पर विरोध आसानी से देखा जा रहा है। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।